यार ये प्रॉपर आपकी बैल्कनी, ये आपकी बैल्कनी है पूरी आपके इस 3 BHK के अंदर, और ये आपका 2 साइड मिल रहा है, एक तो आपका ये साइड मिल जाती है प्रॉपर, और एक आपको ये साइड मिल जाती है। सत्या जी दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे आज के इस वीलॉग के अंदर। भाई वैशाली सेक्टर 6 में ले गया तुम्हारा भाई फिर से, क्योंकि पीछे 2 दिन वीडियो डाली थी, बहुत बंदों ने बोला कि वैशाली में और चीजें निकालूं। कॉर्नर का है भाई, तीनों रूम में, 2 रूम में तो आपकी विंडो है, एक में बैल्कनी आ रही है, कॉर्नर की बिल्डिंग है, तो एक फ्लोर पे 4 है, लिफ्ट भी है, पार्किंग भी है, लग्जरी लग्जरी। पीछे का देख रहे हो ग्लास का काम, बहुत प्यारा लेआउट है, अच्छा इंटीरियर है। डिमांड 85 लाख रुपए नेगोशिएबल, आ जाओ ले लो, यूनिट बची हुई है दोस्तों। वीडियो के अंदर जो चीजें देखो सेम वैरायटी से, कुछ फिनिशिंग चल रही है, थोड़ा बहुत सामान अभी लगने वाला है, 95% तो डन है। तो डिस्प्ले में नंबर मेंशन है तुम्हारे भाई का, तो कॉल कर लेना भाई, बेटर से बात हो जाएगी डायरेक्ट, और डिस्क्रिप्शन में प्राइस मेंशन है सेम 85 लाख नेगोशिएबल। वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ, वैशाली सेक्टर 6 है भाई, पूरी देखना दोस्तों। पूरा आपका स्टेयर्स का पार्ट है, जैसे एक फ्लोर में मतलब 4, 2 तो आपके इस साइड में जाती है और 2 आपके यहाँ जाती है। मैं इसका आपको टूर दूंगा, ये लेआउट और बाकी के 2 लेआउट अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। सामने वाला लेआउट दोस्तों इतना प्यारा लेआउट है ना, सबसे प्यारा ये लगा, बट अभी फिनिशिंग चल रही थी। देखो एंट्रेंस कितनी प्यारी मिल रही है, इसका भी वीडियो बनाऊंगा जब रेडी हो जाएगा। तो फिलहाल ये पूरा आपकी लॉबी एरिया है दोस्तों, पूरा फिनिशिंग चल रही है, डन होके मिलेगा। इसका मैं टूर दूंगा आपको, ये फ्रंट आपका एंट्रेंस है और ये आपके लिफ्ट का पूरा प्रोविज़न यहाँ मिलने वाला है। तो सेक्टर 6 वैशाली का है दोस्तों, ये पूरा आपकी एंट्रेंस रहने वाली है आपके फ्लोर की। एक रूम तो दोस्तों ये आ गया आपका एंट्रेंस, ये एंट्रेंस में फर्स्ट रूम आ जाता है आपका, और नीचे का पूरा कार्पेट एरिया देखिए, रूम साइज वगैरह देखो। कॉर्नर का है तो यहाँ पे भी विंडो दी हुई है प्रॉपर, बाहर से प्रॉपर वेंटिलेशन है, देख सकते हो। तो नीचे कार्पेट एरिया देखिए दोस्तों, 85 डिमांड है, नेगोशिएबल। वाटर वगैरह सब बिल्डर डन करा के दे रहा है यहाँ पे आपको, ये देखिए पूरा काम। होटल वॉल सीलिंग वगैरह सब देख लीजिए दोस्तों, डिस्प्ले में आपको दिख रहा है आपके स्क्रीन पे। कारपेट एरिया भी देख लीजिए आराम से, आपका 10x12 का रूम निकाल के दिया बिल्डर ने। पीछे की वॉल का आप डिस्कस कर सकते हैं बिल्डर से, अगर आपको वो कुछ वॉलपेपर या कुछ करा के देता है, मैं इसमें कोई कमिटमेंट नहीं कर रहा ना ही शोर हूँ, तो ये आप ऑन टेबल डिस्कस करना। तो ये फर्स्ट इंप्रेशन है दोस्तों आपका, फर्स्ट बेडरूम का फॉल सीलिंग के डिज़ाइन के साथ, पूरा आप जो देख रहे हो आपके स्क्रीन पर, पूरा कारपेट एरिया भी इसमें आप देख सकते हैं दोस्तों जो निकाला है, बहुत ही बढ़िया है भाई। लेआउट वगैरह इंटीरियर बहुत शानदार रहने वाला है, वीडियो पूरी देख लेना, और डिस्प्ले में नंबर मेंशन है भाई, कॉल करना जल्दी से। यूनिट अवेलेबल है सेक्टर 6 मेट्रो स्टेशन, 500-600 मीटर की वॉकिंग डिस्टेंस में आता है, और यहाँ पर भी आपको देख सकते हो विंडो एसी के लिए प्रॉपर आपका स्पेस दे रखा है, इलेक्ट्रिसिटी का पूरा प्रोविज़न दिया है आपको हर पॉइंट पर। और यहाँ से चलता हूँ बाहर, सामने से हमने एंट्री करी थी दोस्तों, ये आपका एंट्रेंस थी, और ये है पूरा आपका कॉमन एरिया। तो दोस्तों ये आ गया पूरा आपका कॉमन एरिया, किचन, कॉमन वॉशरूम, एक उसमें बैल्कनी में सामने वाला बेडरूम है, इसमें भी आपकी विंडो है। तो ये कॉमन एरिया का फर्स्ट इंप्रेशन है दोस्तों, लग्जरी देखो, फील देखो भाई, क्या ही शानदार चीज निकाली हुई है। टीवी पैनल सामने आ गया, इधर आपका कॉर्नर में सोफा वगैरह सब बिछ जाएगा दोस्तों, और ये पूरा आपका कारपेट एरिया निकाल के दिया बिल्डर ने आपके इस 3 BHK के अंदर, जो आप अपना देख रहे हो कॉमन एरिया आपके इस डिस्प्ले में दोस्तों। डिस्प्ले में नंबर भी मेंशन है, यह आपका कॉमन वॉशरूम। उससे पहले दोस्तों पूरा देखिए फॉल सीलिंग में जो पूरा काम बिल्डर निकाल के दे रहा है आपको, यार बहुत ही प्यारा। और ये पूरा आपकी जो शीट्स लगी पड़ी है ना दोस्तों, ये बहुत महंगी आती है यार, ये शीट्स बहुत महंगी आती है, ये पूरी जो वो काम हुआ पड़ा है सब एक नंबर भाई। यहाँ पे स्प्लिट एसी का प्रोविजन तक दिया हुआ है, ऊपर शैंडलियर वगैरह सब लग के मिलेंगे दोस्तों, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो सेम एलईडी आपको मिलने वाला है। और बात करूँ टीवी पैनल की, तो ऊपर पूरा ग्लास का काम है, बीच में आपका पूरा वुडन का, नीचे पूरे आपके कैबिनेट्स वगैरह दिए हैं आपका स्पेस यूटिलाइज करने के लिए। और वॉल पर भी आप देख रहे हो मोल्डिंग वगैरह, परफेक्ट इंटीरियर के साथ अमेजिंग प्रॉपर्टी निकाली है यार।
और इसमें भी आप देखो जो यहाँ पे पैनलिंग हुई पड़ी है बीच में, दोस्तों आपकी पूरी लाइट्स का काम किया हुआ है। तो सामने किचन है, उससे पहले लेके चलता हूँ कॉमन वॉशरूम। इसमें दोस्तों अभी लाइट नहीं लगी है, तो बट आप डिस्प्ले में देख सकते हो हैंगिंग सीट आ गई दोस्तों। ये आपका रहेगा आपका आई थिंक ये शावर स्पेस रहेगा और ये आपका हैंड वॉश रहेगा। टाइल्स का काम देखिए तो पूरा भाई एक नंबर काम होकर मिला है। जो फिनिशिंग मशीन डन हो जाएगी ना, देखते बनेगी फ्लोर। तो आ जाओ दोस्तों, ले लो, इसमें वेंटिलेशन प्रॉपर प्रोविजन दिया हुआ है दोस्तों। तो यूनिट बची हुई है दोस्तों, आ जाओ, जिसके बजट में आपको दिख रही है, पसंद आ रही है, विजिट कीजिए जरूर एक बार। यहाँ से चलता हूँ, लेके ये आ गया आपकी किचन, एल शेप की पूरी किचन है दोस्तों। ये आपका आ गया सिंक, पूरा वॉशिंग स्पेस ये रहता है। और ये है फर्स्ट इम्प्रेशन आपका पूरे किचन की, फॉल्स सीलिंग के साथ पूरा प्रॉपर देख सकते हो आपकी किचन जो निकाल के दिए बिल्डर ने आपको, सुपर लग्जरी। और ये उसका बाहर का पूरा स्पेस, पूरा कांच का ग्लास का काम हुआ पड़ा है यहाँ पे रोज गोल्ड का। और बात करो उनके कैबिनेट्स वगैरह की, तो दोस्तों पूरा आपको देख सकते हो मॉड्यूलर किचन यहाँ पे बिल्डर निकाल के दे रहा है। वुडन वगैरह का काम पूरा डन है इसमें, सॉफ्ट वॉक से यहाँ पे भी वेंटिलेशन के प्रॉपर विंडो वगैरह दी है आपकी। तो वेंटिलेशन पूरी फ्लोर पे रहेगा दोस्तों, हर एक एंगल से यहाँ पे आपको वेंटिलेशन निकाल के दिया है क्योंकि कॉर्नर है। तो दोस्तों फिर से फर्स्ट इंप्रेशन है आपका कॉमन एरिया का कारपेट एरिया के साथ। तो यहाँ से लेके चलूँगा आगे कि पूरा कॉर्नर आपका देखो दोस्तों क्या बढ़िया रोज गोल्ड के साथ यहाँ पे बिल्डर ने निकाल के दिया है। बहुत ही प्यारा लुक आ रहा है दोस्तों इस पूरे कॉमन एरिया का। 85 की डिमांड है, नेगोशिएबल। आ जाओ भाई और देख लो जिस चीज़ का लग रहा है, और थोड़ी सी भी क्लिक कर रही है तो भी छोटा सा पैसेज एरिया आ गया दोस्तों, सेकंड बेडरूम थर्ड बेडरूम। और ये आ गया आपका सेकंड बेडरूम का एंट्रेंस हाइट। इसमें भी जैसे मैंने बताया कॉर्नर है, तो यहाँ पे भी विंडो दी है, वेंटिलेशन प्रॉपर रहेगी इसमें भी आपकी, देख सकते हो पूरी विंडो का स्पेस दिया सामने, तो प्रॉपर वेंटिलेशन इसमें भी आपकी रहने वाली है रूम के अंदर। ऊपर फॉल सीलिंग का डिज़ाइन देख सकते हो, और इसमें भी वार्डरोब का काम बिल्डर करा के दे रहा है, देख सकते हो दोस्तों पूरा वार्डरोब का काम बिल्डर इसमें भी करा के दे रहा है। नीचे कारपेट एरिया भी आप अपनी स्क्रीन में देखिए दोस्तों, जो पूरा प्रॉपर है। पीछे की वॉल डिस्कस करना, कुछ फिल करा के देता है नहीं देता दोस्त बिल्डर, मैं कुछ श्योर नहीं हूँ ना कोई कमिटमेंट कर रहा हूँ दोस्तों। आराम से दोस्तों 12x14 या 11x12 के आसपास का रूम निकला है पूरा ये आपका, जो आप देख रहे हो आपकी स्क्रीन में सेकंड बेडरूम इस 3BHK के सेगमेंट में। और पूरा आपका हर पॉइंट में देख सकते हो स्विचेस वगैरह यहाँ पे बिल्डर लगा के दे रहा है आपको। ऊपर आपका विंडो के लिए पूरा स्पेस दिया, उसके लिए भी पॉइंट वगैरह सब निकाल के दिए हुए हैं। और यहाँ से दोस्तों चलते हैं बाहर, उससे पहले फिर से एक व्यू ले लो अपना फॉल सीलिंग का, तो वहाँ पे फैन वगैरह सब लग के मिलेंगे दोस्तों। तो अभी फिनिशिंग चल रही थी, तो यहाँ से निकलते हैं बाहर। सामने से दोस्तों एंट्री करी थी, आपका कॉमन स्पेस आ गया। ये आ गया थर्ड बेडरूम, फिर से पैसेज एरिया से थोड़ा आगे चलते हैं। सेम हाई ग्लोस की वेट्रीफाइड टाइल रहेगी नीचे। और ये है पूरा आपका थर्ड बेडरूम, प्रॉपर वेंटिलेशन इसमें तो प्रॉपर है। ये आपका टीवी पैनल आ गया सामने, इसमें कनेक्टेड वॉशरूम है। तो ये पूरा आपका थर्ड बेडरूम है दोस्तों, जो आपको दिख रहा है की स्क्रीन पे। ऊपर का फोर सीलिंग का डिजाइन इसमें भी आप देख सकते हो प्रॉपर है दोस्तों। यहाँ पे आपको विंडो एसी वगैरह सब लग जाएगा। और नीचे भी आप देख सकते हो सनलाइट क्या बढ़िया आ रही है पूरे रूम में आपके इस थर्ड बेडरूम के अंदर। तो भाई डिस्प्ले नंबर मेंशन है, कॉल कर लो जिस जिसको लग रहा है बजट के अंदर। वाटर स्पेस यहाँ पे निकाल के दिया बिल्डर ने, ये आपका वाटर स्पेस आ गया। और ये है आपका कनेक्टेड वॉशरूम, हैंगिंग सीट आ गई दोस्तों। ये आपका यहाँ पे आपका शावर का स्पेस आएगा, और ये आपकी आने वाली हैंड वॉश का पूरा काम देखिए एक बार पूरी इसमें हाईलाइटेड बिल्डर करके दे रहा है आपको। यहाँ पे भी एग्जॉस्ट वगैरह का प्रॉपर प्रोविजन दिया हुआ है। तो भाई अमेजिंग प्रॉपर्टी है बिल्कुल, क्योंकि पूरी वेंटिलेशन हर रूम में निकाल के दिया बिल्डर ने यार। और जो टीवी पैनल की बात करो, तो ईजिली आपका यहाँ पे 50 inches की स्क्रीन लगेगी। पीछे पैनलिंग हुई पड़ी है, उसके अंदर भी आप देख सकते हो लाइट्स का प्रॉपर आपको काम करा के दे रहा है बिल्डर, जो कि आपका पूरा कनेक्ट कर रही है फॉल सीलिंग के साथ। तो दोस्तों यहाँ से है कनेक्टेड आपकी बैल्कनी। अब बैल्कनी का साइज देख लो यार, ये प्रॉपर आपकी बैल्कनी, ये आपकी बैल्कनी है पूरी आपके इस 3BHK के अंदर। और ये आपका टू साइड मिल रहा है, एक तो आपका ये साइड मिल जाती है प्रॉपर, और एक आपको ये साइड मिल जाती है। तो टू साइड आपको यहाँ पे बैल्कनी प्रॉपर कॉर्नर से यू शेप की मिल रही है आपकी इस 3BHK के अंदर।
तो दोस्तों ये था आज का 3 BHK जो वैशाली सेक्टर 6 में तुम्हारा भाई लेकर आया लक्की भाई। डिमांड 85 थी, चीज़ें बन चुकी हैं, बैल्कनी वगैरह सब आप देख चुके हैं, यू शेप की निकाल के दी है, हर रूम में वेंटिलेशन है, दो में बैल्कनी, तो एक में बैल्कनी, दो में आपकी विंडोज है, किचन में विंडो है, तो वेंटिलेशन प्रॉपर रहेगी और यूनिट बन चुकी है सेक्टर 6 वैशाली के अंदर। तो जिसके बजट में आ रही है देखना चाहता है कॉल कीजिएगा, बिल्डर से बात करके आपकी विजिट डन करा दूंगा। दोस्तों आज के दिन इतने अच्छे और भी लोग आएंगे वीडियो पे नए देख, जो जो बंदा चैनल पे नया है सब्सक्राइब कर देना भाई, लाइक कर देना और वीडियो को शेयर करना जिससे आपके भाई को थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। तब तक के लिए भाई को याद रखना, सत श्री अकाल।